नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। अभी हम सीएलसी में हैं, जहां जेईई में सफलता प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स को सम्मानित किया जा रहा है। उनके माता पिता भी आज इस मौके पर यहां पधारे हैं, और जब उनके पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया होगा कि अपने बच्चे के सपनों को पूरा करने के लिए सीएलसी में छोड़ना है, सीएलसी के सिस्टम पर भरोसा उन्होंने किया होगा, और आज उस भरोसे को जब ये सफलता मिली है तो उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा कि उन्होंने अपने बच्चे के लिए एक अच्छा डिसीज़न लिया, और उनके बच्चे ने भी पेरेंट्स और इंस्टीट्यूट के भरोसे को कायम रखते हुए मेहनत करी, और उसी का परिणाम इस सफलता के रूप में हम जिसका जश्न मना रहे हैं। रविंद्र हमारे साथ है, आप चोमू से आते हैं और आपके पिता बड़े व्यवसायी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हॉस्टल में रह के पढ़ाई करी, और उसी पढ़ाई का परिणाम है कि आज आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका सीएलसी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप यहाँ पे रहे पढ़े, कैसा अनुभव रहा आपका सीएलसी के साथ? तो मतलब सबसे पहले तो सीएलसी से जुड़ा इसलिए था क्योंकि यहाँ पे कल्चर और यहाँ पे रोजाना हनुमान जलसा होती है, मोटिवेशन असेंबलीज होती है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद सही में यहाँ पे सुना तो सब कुछ सच था, यहाँ रोजाना हनुमान जलसा होता था, हनुमान चालीसा के माध्यम से हम कल्चर से जुड़े रहते हैं। उसके अलावा ऐसे नहीं कि हर किसी जाति हर किसी धर्म को भी यहाँ पर एक बराबर हिस्से में तोला जाता था, बराबर सम्मान दिया जाता था, और यहाँ पर जो एक सिंसियरनेस है, बच्चे सिंसियर है, डिसिप्लिन सिखाते हैं, इम्पोर्टेंट यहाँ पे है डिसिप्लिन, जो लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और बहुत खुद एक ये भी है सीएलसी की बहुत बड़ी बात है कि यहाँ का मेंटर खुद जो मालिक है वही मेंटर है, तो हर किसी बच्चे से पर्सनली मीट करते हैं, बात करते हैं, कोई बच्चा डिमोटिवेट नहीं होता यहाँ पर, तो वो चीज़ सीएलसी सबसे बेस्ट लगी और यही सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे को। बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई के लिए ज़रूरी है कि जो इंजीनियर शरवण चौधरी सोचते हैं, उनका जो विज़न है उसको यहाँ की फैकल्टी भी फॉलो करे, कि आप जो सोच रहे हैं उसके ऊपर काम किया जाए। तो फैकल्टीज़ के साथ एक्सपीरियंस कैसा है, क्लासरूम में कैसे पढ़ाते हैं, किन चीज़ों पर खास ध्यान देते हैं, कैसे आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए तैयार करते हैं? फैकल्टीज़ तो ये है कि सबसे पहले तो फैकल्टीज़ बहुत ही अच्छी हैं, उन्होंने जो जो बॉस ने नियम बना रखे हैं वो पूरे अच्छी तरह से पालन करते हैं। बॉस ने कह रखा है कि क्लास में बातें बातों की जगह बातें और थोड़ा एन्जॉयमेंट की जगह एन्जॉयमेंट, और उनका यह है कि उनकी जो मेंटरशिप रहती है हर कुछ दो दिन में तीन दिन में, हमें टीचर्स भी मोटिवेट करते रहते हैं कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, तो वो चीज़ बहुत सही है। टीचर्स को पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ कराना चाहिए जो यहाँ पर करवाते हैं, जैसे मेंटर करना और सब चीज़ें, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पर। टीचर्स हमें हमेशा कहते हैं कैम ज्वाइन करो, रिवीजन रेगुलर रखो, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जेई में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनको यही कहूँगा कि रिवीजन और रेगुलरिटी दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर जैसे 5 घंटे पढ़ो, दिन के लिए पढ़ो जरूर, हाँ कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कभी ऐसा हुआ कि जैसे घर वाले भी सोचते हैं कि जब इतने दूर हॉस्टल में डाला है पढ़ा रहे हैं तो एक उम्मीद होती है, इंस्टीट्यूट को भी होती है कि ये बच्चा अच्छे स्कोर करेगा, कभी ऐसे प्रेशर फील हुआ इस चीज़ का कि अरे अच्छा अगर मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा? नहीं, प्रेशर का तो कभी नहीं, मतलब फैमिली की तरफ से बिल्कुल प्रेशर नहीं था, फुल ये था कि तुझे पढ़ना है तेरी इच्छा से पढ़ना है। बहुत अच्छी बात है। तो अभी लाइफ में आगे क्या करने का प्लान है? अभी तो काउंसलिंग है, तो पहले तो काउंसलिंग पर ध्यान देंगे, आगे जाकर यही विजन है कि मतलब मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मेरे अलावा बहुत लोगों को रोज़गार मिले, काम मिले, बहुत लोग लोगों के लिए जीना चाहता हूँ मैं, मेन तो ये है। बहुत अच्छी सोच है आपकी। सर आपसे बात करना चाहेंगे, बेटे ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, आपको सम्मानित किया गया मंच से, कैसा लग रहा है आपको? सर इतना अच्छा लग रहा है कि आज जो मेरे दिल की खुशी है वो अंदर भी जगह नहीं है कि मैं इसको कहाँ रखूँ। तो मैं तो इस सीएलसी टीम को धन्यवाद देता हूँ, हमारे बोस को धन्यवाद देता हूँ कि एक ग्रामीण इलाके से एक बच्चा को इतना सक्सेसफुल बनाया कि हम सब खुश हैं, हमारा पूरा परिवार खुश। अच्छा, जब आप बच्चे को सीएलसी छोड़े आप पहली बार, तो आपने सीएलसी क्यों डिसाइड किया? सीएलसी इसलिए डिसाइड किया कि सीएलसी के जो बोस है, जो बोस के नाम से जाने जाते हैं, तो इनका सबसे बड़ा विजन यही था कि जो कुछ मेरा है, मेरे जो बाहर गाँवों से सभी समाज से सभी मतलब एक बजट से जो बच्चे आते हैं उनको मैं सबको अच्छी तरीके से पढ़ाऊं, सबको आवश्यकता पूरी करूं और अच्छा सा अच्छा देश में नाम रोशन करें, माता पिता का नाम रोशन करें। यहाँ की वैसे तो बेटे ने बता दिया कि यहाँ का क्या माहौल है, कैसे क्या नहीं है, पर मैं फिर दोबारा बताता हूँ, बोस अगर एक मिनट भी बचती है परिवार के अलावा तो ये सीएलसी
सीकर को देती है। बॉस के पूरा जिंदगी भर का ये जो इस एक सिस्टम बना हुआ है ये बहुत सुंदर है कि बच्चा उनके लिए सब कुछ है। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, आसपास के जैसे और भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे या फिर मान लीजिए कि ऐसे अभिभावक हैं जो आज अपने बच्चे के लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट तलाश कर रहे होंगे, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहता हूँ मेरे हिसाब से तो जो मैंने जहाँ मतलब सफलता प्राप्त की है मेरे लिए CLC सब कुछ है जी। CLC बेस्ट है, बाकी दुनिया में बहुत कोचिंग है। आप बताएं, आपने बच्चे को ना सिर्फ CLC में एडमिशन कराया बल्कि खुद आप इसकी पढ़ाई के लिए अच्छे रिजल्ट के लिए आप यहाँ पे रहे, बच्चे को पढ़ाया, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा और जीवन में आगे आपको और सफलताएं मिले ऐसी हमारी उम्मीद है। और आप सुन रहे थे रविंदर शर्मा और उनके परिवार को, उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप हॉस्टल में आके रहे, उसके बाद में आपकी माताजी यहाँ पे साथ में आके रही और उन्होंने आपको ना सिर्फ हौसला दिया बल्कि वो सारी मेहनत आपके लिए करी ताकि आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर सकें, अच्छा रैंक ला सकें और अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन कर सकें। तो जब बच्चा CLC में ही नहीं बल्कि कहीं भी पढ़े लेकिन जब वो नीट या JEE जैसे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता है तो वो सिर्फ अकेला नहीं करता, उसके साथ पूरा परिवार तैयारी करता है, परिवार का हर एक सदस्य अपना कंट्रीब्यूट करता है और तब जाकर हमें ऐसे परिणाम देखने को मिलते हैं, ऐसा समय देखने को मिलता है जब बच्चे को उसके माता पिता के साथ में सम्मानित किया जाए। और ये सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, एक परिवार के लिए नहीं बल्कि उन लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए भी एक मैसेज और प्रेरणा है कि अगर आप भी अपने बच्चे के साथ मिलकर सफलता के लिए कोशिश करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। सीखे संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।